हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू और पटल की रसेदार सब्जी, जिसमें हमने लहसुन प्याज नहीं डाला है। बिन लहसुन प्याज के भी यह सब्जी काफ़ी टेस्टी बनी है और साथ में इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी हुई है। किसी पूजा पाठ या फिर व्रत के समय हमें लहसुन प्याज नहीं डालना होता है, तो बिना लहसुन प्याज के ही आप इतनी टेस्टी सब्जी बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में सरसों का तेल और उसमें थोड़ा सा जीरा का फ़ोरन देंगे और साथ में तेजपत्ता भी डालेंगे। आप तेल के जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरा चटक चुका है तो इसमें हम चुटकी भर हींग डालेंगे। हींग ऑप्शनल है, हमने स्वाद के लिए डाला है। अब हम हरी मिर्च डालेंगे और अब हम पटल डालेंगे। पटल को हमने दो टुकड़ों में काट लिया और उसके बाद उसे बीच बीच में चीरा लगा लिया। सब्जी बनाने के लिए इसी तरह से काटने पर काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे चलाते रहें और हल्का ब्राउन होने तक इसे भुनना है। गैस का फ्लेम हाई रखें और इसे बीच बीच में चलाते रहें। पटल की सब्जी बनाने के लिए हमने आलू को पहले से ही बॉईल कर लिया था। बॉईल आलू को हमने छीलकर हाथों से ही टुकड़ों में तोड़ लिया। आलू को ज़्यादा देर नहीं भुनना है और इसे बीच बीच में चलाते रहें, वरना नीचे से लग सकती है। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे और नमक। नमक स्वाद अनुसार डालें, इसे भी मिला लें। आलू पटल की सब्जी में हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत भी नहीं है और यह काफ़ी टेस्टी बनती है। नमक और हल्दी अच्छे से मिल चुकी है तो अब हम इसमें अदरक को कूट कर डालेंगे और एक टमाटर, जिसे हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे डालकर भी थोड़ी देर भुनेंगे। अगर आप लहसुन प्याज खाते तो यहाँ पर लहसुन और प्याज का भी पेस्ट डालते। अब हम जीरा धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो और मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। बस इसे थोड़ी देर भून लेना है। जब यह अच्छे से भुन जाए तो इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डालकर इसे एक बार अच्छे से मिला लें। हमें थोड़ी पानी कम लग रही है तो इसमें हम और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी डालकर हम इसे मिलाकर ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और इसे अच्छे से पकने दें। बीच बीच में आप ढककर निकाल कर इसे चलाते रहें। बस यही प्रोसेस है। पानी डालने के बाद हमें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे ढकना है, खोलने देना है और बीच बीच में चलाते रहना है। पट्टल को हमने पहले ही भून लिया था और आलू उबाले हुए थे तो इसे पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आपको जितनी ग्रेवी की ज़रूरत है उतने पे ही गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। हमने हल्का लटपट सब्जी बनाया है तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारी सब्जी बनकर तैयार है। अगर आप चाहें तो इसे और भी सुखा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हमने इतना ही पे रखा है। आप देख सकते हैं बिना लहसुन प्याज के भी इसकी ग्रेवी कितनी गाढ़ी हुई है और देखने में भी कितना टेस्टी लग रहा है। तो आप सभी भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि सब्जी कैसी बनी है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और यह सब्जी बनाकर घर पे ज़रूर ट्राई करें, सभी को बहुत पसंद आएगी। थैंक यू।